भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज नीमच में भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली निकालते हुए फसल नुकसानी सहित कर्ज माफी और कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे, जो कि भाजपा कार्यालय से शहर में होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदेश की कमलनाथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज नीमच में ये प्रदर्शन विधायक दिलीप सिंह परिहार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष हेमंत हरित, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता करण परमाल, महेंद्र भटनागर, वीरेंद्र पाटीदार और महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मीना जायसवाल, किरण शर्मा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठी है तो अभी हमने देखा था शिवराज सिंह के पूर्व में यहाँ आए थे, उन्होंने बिजली की बिल की होली जलाई थी। ऐसे अनाप की वजह से किसान परेशान है। पूरे मध्य प्रदेश के 32 जिलों में, 55 में से 56 में से 32 जिलों में किसानों की फसल में 100% नुकसान हुआ। सरकार के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पहुंच भी गए और उनकी फसलों का मुआवजा उन्हें देने के लिए सर्वे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिनके मकान अतिवृष्टि से ढहे हैं, जिनके फसलें नष्ट हुई है 100%, उनको 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। बिजली के बिल जो मेरे पास आज गरीब लोग लेके आए हैं, उनके बिल पूरे हो रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज हम देखें, जब राहुल गांधी आए थे उनने कहा था कि हम 9 दिन में किसान के यदि कर्जे नहीं माफ कर दूं तो मुख्यमंत्री बदल लेना। आज 9 महीने हो गए हैं और मध्य प्रदेश में किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। इन सारे बिंदुओं को लेकर जो जहां अतिवृष्टि हुई है, बाढ़ में मकान ढह गए हैं, एक एक मंजिल डूब गए हैं, व्यापारियों की फसल खत्म, व्यापारियों का जो भरा हुआ माल था वो खत्म हो गया है, किसान के खेत में जो माल था वो पूरा समाप्त हो गया है, इसको लेकर महामहिम राज्यपाल जी महोदय को हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सारे बिंदुओं को लेकर वो वहाँ प्रस्तुत करेंगे और हमारी किसानों की मांगों में वो ध्यान दें। यदि तत्काल ध्यान नहीं दिया गया तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। और आज मध्य प्रदेश में सारे जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि अभी जब हम रामपुरा में गए तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए, वहाँ बिल्कुल ही एक एक मंजिल में व्यक्ति की मार्कशीट बच्चों के गीले हो गए, किताबें गीले हो गए, उनके घर का अनाज गीला हो गया, पूरे घर बिस्तर गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए, तन में पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो हम सरकार और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और प्रभारी मंत्री और जिलाधीश महोदय से यह मांग करते हैं कि उनके घर में प्रारंभिक 25,000 रुपये की किस्त पहुँचाए, जिससे कि वो 2 जून की रोटी खा सके, वस्त्र पहन सके, उनके लिए कैंप लगाकर दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। अभी बीमारियां फैलने वाली है, पानी की वजह से सड़न मर रही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। किसान की फसल बिल्कुल 100% समाप्त हुई है तो उसका कोई सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है। उन सारे किसानों को मुआवजा देना चाहिए और जो 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ करने की बात करी थी वो 2 लाख के कर्जे भी देना चाहिए। बिजली के बिल भी हमारे सामने जो बड़े बड़े आ रहे हैं उनको भी। इन सब बातों को लेकर आज बड़ी संख्या में किसान और पार्टी के पदाधिकारी सब लोग आए और उन्होंने आज ज्ञापन किया। भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात हो रही है, दूसरी बार आंदोलन हो गया है। भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री